D27 गैंग के 10 लुटेरे गिरफ्तार। एक लुटेरा पुलिस को देख रेलवे ओवर ब्रिज से कूदा, हुई मौत। पुलिस ने हापुड़ से बिजली का तार लूटकर भाग रहे लुटेरों को बुलंदशहर मोखेड़ा ओवर ब्रिज पर घेरा। पुलिस से खुद को घिरा देखकर लुटेरा नाजिम पुल से कूदा। पुलिस ने घटनास्थल से 10 लुटेरों को किया गिरफ्तार। मृतक लुटेरे नाजिम पर लूट डकैती हत्या रेप जैसे 14 संगीन मुकदमे दर्ज। लुटेरों पर कब्जे के 10 क्विंटल तार, 30,000 कैश, सेंट्रो कार, बुलेट और पिकअप बरामद। D27 गैंग के सदस्यों ने बुलंदशहर के जहांगीराबाद में भी तार लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 19 तारीख की रात्रि को थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक तार काटने की घटना हुई थी। इस तार चोरी के घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए थाना जहांगीराबाद और SOG की टीम को लगाया गया था। कल देर रात्रि ये सूचना मिली थी कि ये गैंग सक्रिय है और इसका मूवमेंट हापुड़ के तरफ है। इस सूचना पर हमारी टीमें वहाँ मौके पर पहुँची और इन अपराधियों के साथ एक हॉट चेज हुआ, जिसके दौरान पहले कुछ लोग पकड़े गए। इनमें से एक ग्रुप जो कि सेंट्रो में सवार था वह वहाँ से भाग निकला। हमारी टीमों ने इनका पीछा किया और थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर क्षेत्र में इसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान वो सेंट्रो सवार बदमाश पकड़े गए और इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नाजिम है, ये क्योंकि वो पुल था जिसपे कि इनको दोनों तरफ से घेर लिया गया था, उस पुल से नीचे कूद गया। नीचे कूदने पर इसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसके बारे में जब जानकारी की गई तो अब तक ये बात मालूम चली है कि इसके ऊपर अब तक कुल 14 मुकदमों का आपराधिक इतिहास मिला है, जिसमें डकैती के संग हत्या और रेप जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। यह एक पंजीकृत गैंग का सदस्य है जो कि अलीगढ़ का गैंग है। इसका अन्य आपराधिक इतिहास और इसके विरुद्ध जारी जो भी न्यायालय के प्रोसेसेस हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो शेष 10 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके पास से 10 क्विंटल चोरी का तार जो कि इन्होंने जनपद हापुड़ से चोरी किया था, 30,000 रुपये कैश, इस अपराध को कारित करने में प्रयुक्त 3 वाहन जिसमें कि एक पिकअप, एक सेंट्रो और एक बुलेट मोटरसाइकिल है, और तार काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।